हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग? देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। मेरा नाम है इरफान। दोस्तों, इंस्टाग्राम से लेकर कमेंट बॉक्स तक आप लोगों ने मुझसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा ही डिमांड किया है, वो है चेक्स वाले कोट कटिंग को लेकर। चेक्स फैब्रिक में, चेक्स कपड़े में कोट कटिंग करना। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक्स कपड़े में, चेक्स फैब्रिक में कोट कटिंग करना सीखेंगे। एक एक चेक मिलाकर कैसे कोट कटिंग किया जाता है, चाहे वो शोल्डर कंधी का चेक हो, चाहे वो स्लीव बाजू का चेक हो, चाहे वो बैक फ्रंट या फिर साइड पीस का चेक हो, चेक मिलाकर कोट कटिंग कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग इसका मेजरमेंट देख लीजिए। लेंथ 29.5 29.5 शोल्डर 18 18 इंच, स्लीव लेंथ 24 24 इंच, चेस्ट 40 40 इंच, स्टमक यानी कि इसका पेट 38 38 इंच, हिप 42 42 इंच और इसका कॉलर नेक 16 16 इंच। ये जो हमने फैब्रिक लिया है ये 180 है, 180 और इसमें हम पिक लेपल कोट की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों, नॉर्मल जो हम कटिंग करते हैं वो ऊपर से कटिंग करते हैं। देखिए, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम नीचे से कटिंग करेंगे। इससे पहले मैंने टेक्सीडो सॉल कॉलर का कोट आप लोगों को नीचे से कटिंग करके दिखाया है, नीचे से ज़्यादा बेटर होता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ नीचे से हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। आप ये मार्क कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे, हम सीधा कर लेंगे। मेजरमेंट टेप को इस मार्किंग में रख देना है आपको और जितना लेंथ है उतना इस मार्किंग में रख देना है। लेंथ हमारा 29 है, 29.5 29.5 को हमने इस तरह से रख दिया। देखिए 29.5 यहाँ आपको मार्क लगा लेना है इस तरह से। इसका शोल्डर डाउन करेंगे हम 1.5 सवा से 1.5 आपको शोल्डर डाउन करना है, तो 1.5 हम 1.5 कर रहे हैं। चेस्ट इसका 40 है, 40 में 10 इंच पे मार्क लगाना है। इससे ऊपर 1.5 ऊपर एक मार्क लगाना है जिसमें हमारा बैक कटिंग होगा। जितना लेंथ है उसका हाफ करेंगे और उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। लेंथ 29.5 है, 29.5 का हम हाफ करेंगे तो 15.5 और 15.5 में 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 17.5 17 इंच 14 इस तरह से आपको मार्क लगा लेना है। जितना लेंथ है उसका हाफ करके आपको 2.5 इंच 2.5 इंच ऐड करके पेट का मार्क लगा लेना है इस तरह से। ये सेम मार्किंग हम एक इधर भी लगाएंगे, तो देख लीजिए आप, इस तरह से रख लेना है आपको 29.5 में 1.5 10 1.5 इंच ऊपर 8.5 17.5 इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। ये मार्क सीधा करने के बाद यहां से देखिए आप 1 इंच 1 इंच पे मार्क लगा लीजिए। और इस मार्क को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये मार्क स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले यहाँ हम कॉलर का मार्किंग करेंगे। तो कॉलर का मार्किंग देखिए, स्केल को इस तरह से रखना है और स्केल का 6 THS यहाँ लिखा हुआ है, तो स्केल का 6 आपको लगाना है। जितना चेस्ट है उसका हाफ, तो चेस्ट हमारा 40 है, 40 का हाफ करेंगे तो 20 तो इस तरह से ये मार्क लगा लीजिए। यहाँ आप इसको ऊपर कर लीजिए इस तरह से और यहाँ से आपको 1 इंच 1 पॉइंट इस तरह से लगा लीजिए, 1 इंच 1 सूत। उसके बाद यहाँ हम शोल्डर मेज़रमेंट करेंगे। शोल्डर हमारा 18 इंच है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच और हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन, ये टोटल 9.5 इंच है, 9.5 तो यहाँ रख लेना है टोटल 9.5 9.5।
और इसमें हम 1 इंच 40 में 1 इंच क्रॉस बैग माइनस कर देंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे। इस तरह से आपको शेप करना है। यहाँ हम इसको राउंड कर देंगे, गोलाई कर देंगे इस तरह से। यहाँ 1/2 इंच आधा इंच मार्कर लगाना है सिलाई के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 1/2 इंच आधा इंच और यहाँ 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच। यहाँ इसको स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ शेप स्केल से इसको इस तरह से शेप करेंगे, इसको पलट के, और यहाँ हम इसमें शेप कर देंगे इस तरह से। ये जो मार्किंग है इसको कट कर देंगे, ये हमारा मार्किंग है, इसमें स्टिच होगा, सिलाई होगा। यहाँ हम पेट का मार्कर लगाएंगे, जितना स्टमक है उसको 6 से डिवाइड करना है, 1/6 हिस्सा करना है और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिंग देना है। अगर स्केल से लगाना है तो यहाँ देखिए स्केल का थर्ड THIRDS थर्ड लिखा हुआ है, तो जितना पेट है उसका हाफ लगा लेना है। पेट हमारा 38 है, 38, 38 का हाफ 19, ये 19, और यहाँ से 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिंग। ये टोटल देखिए, ये टोटल 7 इंच में 1 पॉइंट कम है। यहाँ देखिए 7 इंच में 1 पॉइंट कम, यहाँ हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से 3/4 1/2 इंच हम ज़्यादा लगाएंगे इस तरह से। यहाँ जितना है इससे 3/4 1/2 इंच ज़्यादा लगा लीजिए, या फिर जितना हिप है उसका थर्ड पार्ट आप लगा लीजिए। यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, तीसरा ये आप लगा लीजिए। इस मार्क को इस तरह से शेप करना है, इसको इस तरह से पलट के इस तरह से शेप कर देंगे। यहाँ कट का मार्कर लगाएंगे, तो इसमें हम देंगे 7.5 साढ़े 7 इंच, यहाँ से 1/2 इंच 1 इंच 3/4, और यहाँ भी 1 इंच 3/4, यहाँ ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग देंगे। इस मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है आपको। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। चलिए हमारा बैक का मार्किंग रेडी हो चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। एक पल्ला कटिंग करेंगे हम, क्योंकि हमको चेक मिलाना है, तो दोनों एक बार नहीं काटना है। यहाँ हम मार्जिंग देंगे, तो मार्जिंग हम इसमें 2 इंच 2 इंच का मार्जिंग देंगे, तो जितना आपको मार्जिंग देना है उतना आप यहाँ मार्क लगा के और इस मार्क को भी स्ट्रेट कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। इसमें हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसका हम सेकंड पार्ट कटिंग करेंगे। देखिए चेक मिलाकर कटिंग करना है आपको। तो इस तरह से चेक मिला लेना है और इसको भी कटिंग कर देना है। तो ये हमारा बैक कटिंग हो चुका है। यहाँ हम एक नोच लगा लेंगे खुद का, और यहाँ भी एक नोच लगा लेंगे। अब इसको हम रख देते हैं और फ्रंट कटिंग करेंगे। इस मार्क को स्ट्रेट कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ हम कंधी का चेक मिलाएंगे, तो कंधी का चेक कैसे मिलाना है देखिए। यहाँ आपको 1/2 इंच फैब्रिक को इस तरह रख के देख लीजिए, ये जहाँ स्ट्रेट जा रहा है, तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट रख लेंगे
और यहाँ से चेस्ट हमारा 40 है, तो 40 का हाफ 20, यहाँ फोर्थ स्केल का फोर्थ लिखा हुआ है, 4THS, तो ये फोर्थ यहाँ 20 पे इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। ये हमारा कॉलर का सेंटर यहाँ आएगा और यहाँ आप इसको इसमें देखिए, यहाँ आपको चेक मिलाना है कंधी का। ये देखिए, यह हमारा कंधी का चेक यहाँ मिल रहा है। अगर ये एक दो सूत इधर उधर होता है, आगे या पीछे होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चेक मिलाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ आ रहा है, देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है। अब हम इसको स्केल को देखिए, ये जो फोर्थ का 20 है, 40 का चेस्ट हमारा 40 है, 40 का 20, तो ये 20 को आपको यहाँ इसमें रख देना है इस तरह से, इस तरह से रख के, और यहाँ मार्क को आपको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। इस तरह से ये सीधा कर लेना है। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तब आपको क्या करना है, यहाँ चेस्ट का चौथा हिस्सा करना है। देखिए चेस्ट का यहाँ से चौथा हिस्सा करेंगे, 10×40, 1 इंच तख्ती के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ आपको इस तरह से रख के और इसका एक 20 सेंटर कर लेना है, हाफ़ कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये हाफ़ कर लेना है आपको, ये जहाँ आएगा उसके बाद आपको ये रख कर शोल्डर मिला लेना है। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको दिखाया है, दोनों में से आपको जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। यहाँ हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, चेस्ट हमारा 40 है, 40 का चौथा हिस्सा करेंगे, तो 10×40, 10 इंच 10 इंच इस तरह से मार्क लगाना है। 40 चेस्ट में 1 इंच, 1 इंच आपको तख्ती माइनस कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ भी हम चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे, 10×40, और यहाँ भी हम चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे, 10×40, 10×4=14। यहाँ ये जो अंदर वाला मार्किंग है इसको मेज़रमेंट कर लेना है, ये 9 इंच है, तो यहाँ 9 इंच आपको लगा देना है इस तरह से। यहाँ आपको इस मार्क को स्ट्रेट करना है, इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए, और यहाँ इस मार्क को भी आप इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब दोस्तों ये जो अंदर वाला मार्किंग है, यहाँ से आपको 1.25 इंच लगाना है, 1 इंच 3/4 इस तरह से। अगर स्केल से आपको लगाना है तो स्केल का 12, ये देखिए यहाँ 12वां लिखा हुआ है, 12, तो 12 का 20 आपको इस तरह से रख के और यहाँ आपको इस तरह से मार्क कर देना है। ये मैं आपको स्केल से भी दिखा रहा हूँ, मेज़रमेंट टेप से भी दिखा रहा हूँ, तो आपको जो सही समझ में आए उससे आप कर लीजिएगा। शेप स्केल से यहाँ इस मार्किंग को हम शेप करेंगे, इस तरह से आपको शेप कर लेना है। यहाँ हम वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे, वॉलेट का 1.25 इंच, 1 इंच 3/4, 40 है 40, तो 40 में 4 इंच, 4 इंच इसका हाफ करेंगे, 20 सेंटर लगाएंगे, 2 इंच यहाँ से हाफ इंच ऊपर एक मार्किंग, और यहाँ से 1 इंच में 1 पॉइंट कम, और इस मार्क को भी हम यहाँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ आना है, यहाँ से आपको 3/4 1/2 इंच नीचे आपको एक मार्क लगाना है लेंथ के लिए, और यहाँ से जितना लेंथ है उसका 3 से डिवाइड करना है, तीसरा हिस्सा करना है। लेंथ 29.5 है, तो 29.5 का हम यहाँ लगाएंगे 1/10 इंच, ये हमारा फर्स्ट काजा, और यहाँ से 4 इंच ऊपर सेकेंड काजा, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर आपको एक मार्क लगाना है लिपल के लिए। ये मेज़रमेंट कर लीजिए, ये जितना है सेम उतना आप यहाँ फर्स्ट काजा के पास लगा लीजिए, और 1 इंच अंदर 1 इंच अंदर आप पॉकेट के लिए मार्क लगाएंगे। यहाँ हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, देखिए यहाँ आपको सीधा कर लेना है बिल्कुल। और यहाँ 3/4 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क लगा के और इस मार्क को इसमें मिला दीजिए, ये हमारा पेट डार्ट निकलेगा। यहाँ से हम फ्लाप का मार्क लगाएंगे 2 इंच 2 इंच पे, और इस मार्क को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे।
और यहाँ इसको हम राउंड कर देंगे, गोलाई कर देंगे। यहाँ टेकिंग का मार्का लगाना है तो इसको इसमें मिला देना है इस तरह से। और दोस्तों यहाँ से आपको पौने तीन इंच, ढाई से पौने तीन इंच आपको लगाना है, तो हम लगा रहे हैं 2 इंच 3/4, ये हमारा टेकिंग का मार्किंग है। अब दोस्तों यहाँ आना है आपको, तो देखिए यहाँ हमने पहले ही मार्किंग कर लिया हुआ है, तो यहाँ से 3/4 पौना इंच अंदर आपको एक मार्क लगाना है इस तरह से, और इस मार्क को आपको इसमें इस तरह से मिला देना है। यहाँ से दोस्तों आपको देखिए, यहाँ से आपको स्केल का 12 लगाना है, तो इस तरह से आप रख लीजिए इसमें, और स्केल का 12 चेस्ट 40 है, 40 का हाफ 20, तो यहाँ आपको इस तरह से लगा लेना है। इसको हम मेज़रमेंट करेंगे 1.25 इंच 1 इंच 3/4, ये यहाँ रहा है, तो यहाँ भी आपको इस तरह से रख के यहाँ इसको मार्क लगा लीजिए इस तरह से। यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर मार्क लगाना है, 1/2 इंच ऊपर, आप 1 सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको 3.5 आपको इस तरह से मार्क लगा लेना है 3.5 पे। और यहाँ दोस्तों स्ट्रेट आपको इस तरह से रख लेना है मेज़रमेंट टेप को इस वाले मार्किंग से, और जितना ब्रॉड आपको लेपल देना है उतना आप मार्किंग लगाएंगे। तो हम इसमें 3 इंच 3 इंच पे मार्क लगा रहे हैं इस तरह से, ये हमारा पिक लेपल इसमें आएगा, तो पिक लेपल के लिए आपको ऊपर से 3.5 इंच डाउन करना है। यहाँ से 3 इंच हमने दिया इस तरह से, और इसका एक हम 20 सेंटर लगा लेंगे, 3.5 1/2 इंच 1.5 इंच इस तरह से। अब आपको शेप स्केल लेना है, और यहाँ देखिए इस तरह से आपको इसमें शेप करना है। ये ऊपर तक आप ले लीजिए, और यहाँ हम इसमें जितना इंच का पॉइंट देंगे उतना लगाना है, तो इसमें हम 2 इंच 2 इंच का पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको मेज़रमेंट टेप को यहाँ इसमें रख लेना है, और जितना आपको यहाँ पॉइंट देना है 1.5 इंच 2 इंच 2 इंच 2.25 इंच जितना देना है आपको लगा लेना है। तो हम यहाँ 2 इंच दे रहे हैं, 2 इंच दे, देखिए 2 इंच यहाँ आ रहा है। इस मार्क को आपको इसमें मिलाना है इस तरह से, देखिए इस तरह से मिलाना है। अब दोस्तों यहाँ आपको इसमें मिलाना है, ये देखिए ये इस तरह से आपको यहाँ इसमें मिलाना है। अब ये जो मार्किंग है ये हमारा इसमें स्टिच होगा, तो हम यहाँ से मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। तो या तो आप ऐसे मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लीजिए, या फिर आप मार्किंग लगा लीजिए। तो चलिए हम इसमें जितना कटिंग करेंगे उतना हम मार्किंग इस तरह से लगा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं, इसमें हम कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों आपको बैक लेना है, और यहाँ देखिए यहाँ हमने चेक मिला के मार्किंग लगाया है, तो यहाँ आपको देखिए इस तरह से रखना है, ये हमने चेक ऑलरेडी मिलाया हुआ है, तो इस तरह से आपको रख लेना है। और यहाँ से आपको 1.25 इंच डाउन करना है, तो आप चाहे तो इस तरह से मेज़रमेंट कर लीजिए। ये देखिए ये 1.25 इंच यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से 1.25 इंच, चलिए मैं आपको इस तरह से मार्क लगा के दिखा देता हूँ, 1.25 इंच यहाँ हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। अब आपको यहाँ इस मार्किंग में इस तरह से रख लेना है चेक मिलाकर, और यहाँ आपको बराबर लगाना है। अब दोस्तों यहाँ आज मैं आपको 2 पॉइंट कम नहीं करना है, नॉर्मल जो मैं आपको बताता हूँ उसमें 2 पॉइंट कम करना है बैक, सॉरी फ्रंट, लेकिन ये चेक वाला है तो चेक में आपको कम नहीं करना है, क्योंकि हमको शोल्डर का भी चेक मिलाना है, तो यहाँ आपको बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। इस मार्किंग को शेप कर देंगे इस तरह से, यहाँ ऊपर वाले मार्किंग से 1 इंच ऊपर आप मार्क लगा लीजिए, या फिर स्केल का 8/8 हिस्सा यहाँ से ऊपर लगा लीजिए। इस तरह से हमने 1 इंच ऊपर इस तरह से लगा दिया है, और यहाँ हम इसको राउंड कर देंगे, गोलाई कर देंगे इस तरह से। इस मार्किंग को और इस मार्किंग को यहाँ इसमें आपको इस तरह से शेप कर देना है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा, इसमें मैंने आपको स्केल से लगा के दिखाया है कि कैसे लगाना है।
अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्का लगा लीजिए। इसका जो लूजिंग है वो मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कोट के जितने भी कटिंग किए हैं उसमें मैंने आपको दूसरा तरीका दिखाया है। उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है लूजिंग को लेकर, बहुत लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें लूजिंग का दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको नॉर्मल साइज में 1.5 इंच करना है और हेवी साइज में 2 इंच लगाना है। तो ये नॉर्मल साइज है 40 है, तो यहाँ हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लीजिए यहाँ से और यहाँ तक। इस तरह से आप इसको शेप कर दीजिए, इसको पलट लीजिए और यहाँ इसमें भी हम इसको शेप कर देंगे। तो यहाँ हम लूजिंग का मार्कर लगाएंगे, चेस्ट में 5.5 इंच का लूजिंग लगाएंगे। तो 5.5 का हाफ होता है 2.75 इंच। ये देखिए, यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग से आपको 2.75 इंच इस तरह से लगा लीजिए। ये 5.5, 5.5 इंच हमारा चेस्ट में लूजिंग आएगा। तो 5.5 का हाफ 2.75। स्टमक पेट में हम 4 इंच लूजिंग देंगे, तो यहाँ उसका 4 का हाफ 2.25 इंच और यहाँ भी हम हिप में भी 4 इंच का लूजिंग देंगे, 4 का हाफ 2.25 इंच इस तरह से लगा लीजिए। अब आपको लेना है बैक, ये आपको टोटल मेजरमेंट नहीं करना है, यहाँ से 1/2 इंच यहाँ इस तरह से मेजरमेंट करना है। ये देखिए, 8 इंच और एक पॉइंट है, 8 इंच एक सूत है, यहाँ हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ भी हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, 6.5 में एक पॉइंट कम है, तो यहाँ 6.5 में एक पॉइंट कम है, 6.5 में 1 पॉइंट कम और यहाँ हम हिप का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ भी आपको 1/2 इंच 1/2 इंच छोड़ के मेजरमेंट कर, तो ये हमारा 7 इंच है, 7 इंच। तो यहाँ 7 इंच हम इस तरह लिख देते हैं, ये हमारा 6.5 में एक पॉइंट कम है। अब यहाँ हम लगाएंगे सिलाई के लिए मार्जिन, जाएगा हमारा 1/2 इंच, यहाँ भी 1/2 इंच, देखिए यहाँ भी सिलाई में मार्जिन जाएगा 1/2 इंच और यहाँ भी 1/2 इंच और ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी 1/2 इंच और यहाँ भी 1/2 इंच, ये हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा, ये हमने लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ हमारा फैब्रिक कम है, तो यहाँ एक ही साइड पीस आएगा, दोनों नहीं आएगा, तो इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे थोड़ा दूर तक। अब दोस्तों यहाँ लूजिंग का मार्कर लगाएंगे, तो यहाँ हमारा बैक है 8 इंच एक सूत, तो इस तरह से आपको रख लेना है 8 इंच 1 पॉइंट इसमें और यहाँ देखिए आपको मेजरमेंट करना है, ये 16 इंच में एक सूत कम है, इसको उठा के यहाँ रख लेना है आपको इस तरह से। चेस्ट हमारा 40 है, 40 का हाफ करेंगे तो 20 और प्लस 1/2 इंच यहाँ सिलाई में मार्जिंग, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। यह हम स्टमक में लगाएंगे, स्टमक में हमारा एक बार फिर से हम मेज़रमेंट कर लेते हैं, ये 1/2 इंच छोड़ के 6.5 में एक सूत कम है, तो यहाँ आपको रख लेना है इस तरह से 6.5 में एक सूत कम, ये मेज़रमेंट कर लेना है। ये जितना है उठा के आपको यहाँ इसमें रख लेना है। हमारा स्टमक 38 है, 38 का हाफ 19 प्लस 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिंग। हिप का मेज़रमेंट करेंगे, तो यहाँ हमारा 7 इंच है, तो ये 7 इंच को यहाँ इस तरह से रख लेंगे और ये देखिए, ये है 14.5 इंच एक सूत, इसको उठा के यहाँ रख लेना है इसमें। हिप हमारा 42 है, 42 इंच, 42 का हाफ होता है 21 और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिंग, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। शेप स्केल से यहाँ इसको थोड़ा हम स्टफ कर लेते हैं, इस तरह से आपको शेप स्केल से इसमें मिलाना है, इस तरह से इसको पलट के और फिर यहाँ आपको शेप करना है, इसको पलट लीजिए और पलटने के बाद यहाँ इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ दोस्तों आपको 3/4 1/4 इंच मार्क करना है और यहाँ इसको भी आप इस तरह स्ट्रेट करके और यहाँ आप इसको इसमें राउंड कर दीजिए इस तरह से। यहाँ बैक ले लीजिए इस तरह से,
और यहाँ देखिए इसमें हम इस तरह रख देंगे। यहाँ इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ आपको 2 इंच, 2 इंच और यहाँ 2.5, 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाना है और इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ आपको ये पॉइंट और यहाँ जो हमने 3-4 लगाया है ये, इसको स्ट्रेट कर लेना है इसमें इस तरह से। इस तरह से लगा लीजिए। ये जो ऊपर वाला मार्किंग है ये हम कट कर देंगे। यहाँ हम मार्जिंग लगाएंगे 2 इंच, 2 इंच, यहाँ भी 2 इंच और इस मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है। बॉटम हमारा राउंड होगा तो यहाँ 1.25 इंच, 1 इंच, 3-4 इस तरह से लगा के और यहाँ इसको, ये जो फर्स्ट वाला काजा है यहाँ से आपको मिलाना है इस तरह से। यहाँ इसको राउंड कर देंगे, गोलाई कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा मार्किंग रेडी हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा मार्किंग रेडी हो चुका है। वापस हम इसको इस तरह से रख लेते हैं। अब दोस्तों हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए इस ऊपर वाले मार्किंग में आपको कटिंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ दोस्तों देखिए एक मार्कर मैं लगाना भूल गया हूँ तो मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है क्योंकि यहाँ हमारा टेकिंग सिलाई होगा, तो यहाँ आपको 1/2 इंच ज़्यादा रखना है। और यहाँ से 4.5, 4.5 इंच ऊपर ले लीजिए और यहाँ इस मार्क को इसमें आप इस तरह से शेप कर दीजिए। और अब हम इसको कटिंग करेंगे। और यहाँ आपको इस तरह से यहाँ दोस्तों आपको स्टिचिंग का, सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है 1/2 इंच, 1/2 इंच। इसको हम इसको खोल देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर नीचे इस तरह हर तरफ चेक हमने मिला दिया है और चेक मिलाने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। यहाँ हम एक कट लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारा पेट डॉट कट होगा। तो इसको मैं रख देता हूँ और इसका जो साइड पीस है इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है, तो जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं उतना मार्जिन रख के आप यहाँ कटिंग कर लेंगे। यहाँ एक नोच लगा लेते हैं, खुटका लगा लीजिए इस तरह से। इसका जो सेकंड वाला पीस है वो हम स्लीव कटिंग करने के बाद कटिंग करेंगे, तो इसको भी हम रख देते हैं।